हेलो, गुड आफ्टरनून। कल मैंने आपको सिस्टम पढ़ाया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हमने किया। उसमें मैंने क्वेश्चंस नहीं डाले थे क्योंकि आपके इंटेक क्वेश्चंस ज़्यादातर सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। एक चीज़ आपको ज़रूर करनी है इसमें कि आपको वो डायग्राम बनाना है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ए वन क्वेश्चन इज़ ऑफन आस्क, हाउ एक्वेटिक एनिमल्स टेक ऑक्सीजन। सो डू राइट दिस क्वेश्चन along with this, you have to make the diagram of respiratory system। आप अपने notes बनाइए, देख कर कुछ करिए और ये question करके index question भी करते जाइए संग संग में सारे systems के संग, ठीक है, pathways और वो सब हमने कर लिया। Now what we are going to start, circulatory system या transportation system। transportation system क्या होता है कि जब हम लोग when we talk about this transportation system that देखो ट्रांसपोर्टेशन जो भी चीज़ हमारी ट्रांसपोर्ट हो रही है, हमारी बॉडी से हमें एनर्जी चाहिए, वो कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे में फ्लूड सिस्टम्स होते हैं विच कैरी ऑल द नेसेसरी थिंग टू योर बॉडी एंड इट इवन ब्रिंग्स द बैड थिंग सो दैट इट शुड बी एक्सक्रीटेड आउट। तो जो चीज़ हमें ज़रूरत है वो भी ये ले जाती है, जिस चीज़ की नहीं ज़रूरत है वो भी हमें ले जाती है। जैसे हमारे में ट्रांसपोर्टेशन होता है वैसे ही एनिमल्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। भाई ऐसा नहीं कि एनिमल को भी तो पानी चाहिए होता है ना, तो पानी पहुंचता है उनके ऊपर प्लांट्स में जगह जगह पानी पर। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो भी कुछ ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? थ्रू ब्लड। तो हम आज क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी? ट्रांसपोर्टेशन, इसको हमें पढ़ना है। तो इस ये ट्रांसपोर्टेशन किस किस में होता है? इट अकर्स इन प्लांट्स एज वेल एज इट अकर्स इन एनिमल्स। अब भाई प्लांट्स में अगर वाटर कैरी कर रहा है तो व्हाट कैरी इज वाटर? कौन करता है कैरी? पढ़ा था ना नाइन्थ में हमने, कौन करता है? दे आर द बंडल्स एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द बंडल दैट कैरी इज वाटर? दैट इज जाइलम। कौन करता है इसको? जाइलम। और जाइलम कितने एलिमेंट्स का बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ फोर एलिमेंट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकीज, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। एंड यू नो नाइसली दैट स्क्लेरेन्काइमा आर द डेथ टिश्यूज, पैरेन्काइमा आर द लिविंग टिश्यूज। सो बट हाउ दैट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड? एक्चुअली द वाटर इज ट्रांसपोर्टेड, दिस आई शो यू इन वीडियो ऑल्सो एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू, इन प्लांट्स द मेन पार्ट दैट इज इन प्लांट्स, वॉट हैपन्स इन प्लांट्स, आई एम टेलिंग इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टॉपिक, दैट्स आई एम टेकिंग इन प्लांट। हाउ इट टेक्स इन प्लांट्स? इन प्लांट्स इज टेक प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। You know what transpiration is? Transpiration, it is the process. It is the process by which water is lost from aerial parts and leaves of the plant. This is transpiration. अब transpiration क्या होता है कि और किस form में जाता है? In the form of vapor. किस form में transport होगा? In the form of water vapor. इस form में ये transport हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है इसमें transpiration के दो functions हैं। It makes the plant cool. क्या करता है transpiration? It makes the plant cool. दूसरा, it helps the water to reach that water reaches to a very tall water. Second function is water reaches to the tall plant with the help of the xylem vessel. These are the two functions. But what happens when the water is वहाँ पर जो वो pull करता है तो वहाँ पर क्या चीज़ create होती है? वहाँ पर root pressure create होता है. What is being created? रूट प्रेशर।
रूट प्रेशर के वहाँ पे गैप हो जाता है, वहाँ पे प्रेशर के जैसे ही प्रेशर क्रिएट होता है, कैपिलरी एक्शन आप बोल सकते हो, जैसे ही प्रेशर क्रिएट होता है तो वो ऊपर पुल होता है, जैसे हमारे घरों में नीचे से पानी कैसे आता है क्योंकि प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इट पुल्स अप। तो सेम थिंग्स हैपन ओवर देयर। अब ब्लड के बारे में यू ऑलरेडी नो दैट ह्यूमन बॉडी में कैसे सर्कुलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। एक्चुअली ऐसे भी नहीं होता, ह्यूमन बॉडी में दो सिस्टम्स हैं, दो फ्लूइड सिस्टम है, एक है सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम दे आर द टू सिस्टम्स विच वर्क्स इन योर बॉडी। नाउ फर्स्ट व्हाट आई एम गोइंग टू स्टडी दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ हाउ द थिंग्स आर बीइंग सर्कुलेटेड, हाउ दे आर बीइंग कैरीड, कैसे आपकी बॉडी में प्रोटीन जा रहा है, कैसे ये जा रहा है, कैसे फाइन फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है, कैसे अमीनो एसिड हर जगह पहुँच रहा है, कैसे हॉर्मोन्स पहुँच रहे हैं, दे ऑल डन विद द हेल्प ऑफ ब्लड। एंड वॉट ब्लड इज, इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। किस किस चीज़ का बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स, इन सब चीज़ों का बना हुआ है। और इनके दूसरे नाम भी हैं जो आप थोड़ा सा, मैं वीडियो आपको लगाती हूँ, यू कैन वॉच दिस दैट वीडियो। ओके, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, और उसके अलावा हमारे पास हार्ट है एक ऑर्गन, हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं जो कि हेल्प करती हैं पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में। बट प्लांट्स के पास तो हार्ट ही नहीं है, प्लांट्स डू नॉट हैव अ हार्ट, राइट? दे नीदर डू हैव द, दे हैव द ब्लड। सो हाउ डू थिंग्स ट्रांसपोर्ट इन प्लांट? ओके, लेट्स सी फर्स्ट दैट। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट प्लांट्स में द मेन ट्रांसपोर्ट इज ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स में मेनली प्लांट्स को क्या चीज की जरूरत रहती है? वाटर एंड मिनरल्स की, गाइस। ठीक है, प्लांट्स अ वेरी सिंपल, यू नो, अनलाइक अस, प्लांट हैव टू जस्ट स्टैंड, डेली खड़े रहना है, बस एक ही जगह पे खड़े रहना है, सिंस देयर बर्थ दे कीप स्टैंडिंग, दे डोंट हैव टू मूव, दे डोंट हैव टू राइट बोर्ड एग्जाम्स, एंड दे डोंट हैव टू स्टडी ऑनलाइन, उनको ये सब कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ट्रांसपोर्ट हो सके, राइट? सो दीज आर द टू थिंग्स। सो एसेंट ऑफ सैप इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसके लिए प्लांट्स हैव अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू called as, yes guys, what is the specialized tissue of plant called as, which helps in transportation of water and minerals, guys? ये आपने 9th में ही पढ़ा होगा, it is called as xylem. Xylem is the tissue which helps in transport of water and minerals in plants, right guys? है ना, very important, समझ आ गया। और transport of water and minerals को हम क्या कहते हैं bio में? We call it as ascent of sap. Ascent मतलब जाना, ascent, ascent मतलब ऊपर उठना, ascent of sap, sap क्या है? Water and minerals, right guys? Very good, है ना? Now how does water and mineral get absorbed by the plant? आपने देखा होगा कुछ plant बहुत ही लंबे लंबे होते हैं, like banyan tree, neem tree and all, they are very huge. तो how does water from the ground reach all the top parts of the plant? कैसे पहुंचते हैं? By a process called as, guys, what is the process called as? Transpiration, by process called as transpiration. अब ये transpiration क्या होता है? Yes guys, what is transpiration now? Vapor. What is transpiration? Loss of water, water from surface of the leaves. Leaves में से water गायब हो जाता है, उड़ जाता है basically. From leaves in form of water vapor. Are you to understand, guys? Hota kya hai? There is a tree, hai na? There is a tree. Okay. There is a tree. Then we have sun. Sun ki heat ki wajah se kya hota hai? Sun ki heat ki wajah se kya hota hai? Water vapors nikal jaati hai. वॉटर वेपर्स निकलने लगती है। ट्रांसपिरेशन, रिमूवल ऑफ, सॉरी, एवोपरेशन ऑफ वॉटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द
leaves in the form of water vapor basically. And so when water vapor is escaping, what happens? It sorry. जब आप स्ट्रॉ से आप जूस वगैरह पीते हो तो क्या होता है, आप एक सक्शन क्रिएट करते हो, है ना, जिसकी वजह से जूस ऊपर आता है. लाइकवाइज ट्रांसपीरेशन की वजह से एक सक्शन क्रिएट होता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं क्रिएट होता जैसे कि आप जब यू नो व्हेन यू आर ड्रिंकिंग जूस, बट थोड़ा पावरफुल होता है विच इज सफिशियंट टू मूव द वॉटर फ्रॉम द रूट्स टूवर्ड्स द हायर पार्ट्स. समझ आया, ट्रांसपीरेशनल पुल. सेकेंड चीज जो हेल्प करती है वॉटर के मूवमेंट में, वी कॉल इट एज रूट प्रेशर. Now, root pressure मतलब ये मेरा tree था, ये मेरा root है. तो water molecules रहते हैं soil में. तो when the water molecule is entering inside the root, water molecule जब root के अंदर enter करता है, तो वो क्या करता है? आगे वाले water molecule को push करता है. It's like when you guys are entering into a classroom, what do you start doing? You start pushing the person in front of you. अब लोग करते हो ऐसा? I used to do that. है ना? So you start pushing the person in front of you. Likewise here, what happens? जब वाटर मूव करता है रूट्स में सॉइल से, तो क्या करता है, वो अपने आगे वाले वाटर मॉलिक्यूल को पुश करता है. इसको कहते हैं हम रूट प्रेशर. और वाटर क्यों मूव करता है सॉइल से रूट के अंदर? बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज डिफ्यूजन. और डिफ्यूजन क्या होता है गाइस? मूवमेंट ऑफ, यस गाइस, मूवमेंट ऑफ सॉलिड लिक्विड और गैस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, आई गेस इतना सफिशियंट है. तो व्हाई डज वाटर मूव इन टू द प्लांट? बिकॉज ऑफ ट्रांसपीरेशनल पुल एंड रूट प्रेशर. ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. दैट्स व्हाट दैट वाज अबाउट, यू नो, हाउ वाटर एंड मिनरल्स मूव इन द प्लांट्स. नाउ टॉकिंग अबाउट ट्रांसलोकेशन. व्हाट इज ट्रांसलोकेशन गाइस? ट्रांसलोकेशन क्या होता है? यस, ट्रांसलोकेशन इज, यस गाइस, मूवमेंट ऑफ फूड इन द प्लांट. व्हाट इज इट? मूवमेंट ऑफ फूड. ओके, नाउ कौन सा टिश्यू इसमें हेल्प करता है हमारी? विच टिश्यू हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड इन प्लांट्स? यस गाइस, अ टिश्यू कॉल्ड एज, यस गाइस, आई गेस ऑल ऑफ यू नो इट, फ्लोएम. फ्लोएम हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड इन द प्लांट्स. जाइलम हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स. आर यू टू अंडरस्टैंड? फॉर एग्जाम्पल सी, ये हमारा ट्री है. ट्री में फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है? फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ओनली. बट आपने देखा होगा स्वीट पोटैटो इज अ रूट, रेडिश इज अ रूट, है ना, पोटैटो इज अ स्टेम. तो जब खाना फोटोसिंथेसिस से खाना बनता है, जब द फूड इज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स, हाउ डज इट ट्रैवल टू द स्टेम? हाउ डज इट ट्रैवल टू द रूट? कैसे जाता है? बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन. I would understand. तो जो लीव्स में खाना बना है, it will reach the roots by translocation. It will reach the stems by translocation. I would understand. Food जो प्लांट से बनता है, वो कहाँ स्टोर होता है? स्टेम्स में स्टोर होता है, लीव्स में भी स्टोर होता है. अनियन इज अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ लीव्स, है ना, फूड ऑफ लीव, बेसिकली स्टोर्ड फूड फॉर्म ऑफ लीव्स, है ना बेटा, अनियन. और आई वुड टू अंडरस्टैंड, तो फूड मूव करता है जिसको हम खा लेते हैं, है ना, अनियन खाते हैं, अनियन तो खाते ही हैं. देन अनियन रिमाइंड्स मी ऑफ चिकन, ऑल द नॉन वेज स्टफ व्हिच आई ईट. या सो एग्जैक्टली, सो टॉकिंग अबाउट गाइस, या टॉकिंग अबाउट, सी खाना, फूड, एज सून एज आई टॉक अबाउट फूड आई गेट डिस्ट्रैक्टेड. टिश्यू हेल्प्स इन दैट, अवर फ्लोएम हेल्प्स इन दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, है ना गाइज. तो और द प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन गाइज. ठीक है, तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टफ इन प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन. ओके, नाउ लेट्स गेट टू द रियल स्टफ. रियल स्टफ मतलब हमारे बारे में बात करते हैं, हमारे बारे में मतलब ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसलोकेशन में क्या होता है? ट्रांसलोकेशन में ऑस्मेटिक प्रेशर लगता है, ठीक है, उसकी वजह से वो होता है खाना पहुँच. ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं, है ना, आप लोग ह्यूमंस हो, आई गेस, आई होप, है ना. सो टॉकिंग अबाउट दिस, दैट हमारे अंदर रोटेट कर रहा है उसका सिस्टम. लिम्फैटिक सिस्टम मीन्स एक और व्हाइट कलर और पेल येलो फ्लूइड हमारे अंदर रोटेट कर रहा है उसका सिस्टम. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज ब्लड. लिम्फैटिक सिस्टम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बट इट्स ओके, मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. बट ब्लड तो इफ यू कट योर आर्म व्हाट विल स्टार्ट फ्लोइंग? एमसीक्यू, सो आई हैव ट्राइड टू पुट इन सम इंपॉर्टेंट वंस. एसिड ऑफ सैप, यस, एसिड ऑफ सैप इज रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, यस गाइज, इट्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, come on, you wanna try? It's very easy. अभी तो बताया मैंने, ठीक है? These are starters. Oh my god, again and again. Yep.
Okay. Now, guys, talking about transportation in humans, as I told you, first is system of blood. Now, blood circulatory system consists of three things. What are the three things? Blood. Oh my God, sorry. So, what are the three things we have? We have blood, blood vessels and heart. We will be studying about three of them. Blood ke baare mein padhenge. What is blood? What is it made up of? We'll study about blood vessels. What are the type of blood vessels? We'll study about heart. Ki heart, what is heart? What's the fluid in the blood circulatory system? Blood is the fluid. Now, lymph flows through vessels called as lymph vessels. Ab guys, main vessels kar raha hu. Ye vessels ka matlab kya hai? What does the vessels mean? Vessels means, guys, pipes. Vessels mean pipes. Like, for example, your house mein water is coming, right? How does the water come? Water comes through some pipes. Hai na? So, the pipe is vessel and the water is blood. Or in this case, lymph. Hai na, guys? Now, similarly, water mein you have water pumps at your base which pumps the water to your what? Tanks. Or na? On the top floor. What is that pump? Lymph nodes. What do you mean by lymph nodes? You know, it's cluster of tissues or basically cluster of cells, hai na, which helps in transportation of lymph. Okay, chalo abhi aage chalte hain. You'll be having more better understanding. This is just a bit of introduction. Okay, abhi I'm gonna get into deep. Fir uske baad hum heart ke baare mein padhenge. Okay, now talking about the blood, guys. Blood is made up of (clears throat) 55 to 60% of plasma and 40 to 45% of blood cells. Now, iska matlab kya hua? Iska matlab hua, if you take a bottle, hai na, I fill the bottle with red color sand. I call it as RBC. Then I fill the bottle with some white sand, but lesser in number than the red sand. What do I call it as? I call it as WBC. Then finally, I fill the bottle with some, you know, yellowish, or just keep it some other sand, and we call it as platelets. Now, what do? I fill the bottle with some water. I fill the bottle with water. Are you able to understand, guys? Did you understand? So this water which I filled is plasma. Actually, that when we are talking about the composition of a blood, plasma is, that is yellowish in color. It is the fluid which is about 55% in our body. And ye hota kya hai ki isme water hota hai. 91 to 92% water hota hai isme. Globin proteins hota hai, albumin hota hai, hormones hota hai, clotting factors hota hai. ठीक है. अब जो आपका ब्लड होता है, ब्लड में क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं. रेड ब्लड सेल्स आर नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स आर नोन एज ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स. व्हाट रेड ब्लड सेल्स डू, दे कैरी ऑक्सीजन. मेन इसका फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन कैरियर. और इसका कलर रेड क्यों होता है और सेल का शेप कैसा होता है? द शेप ऑफ द सेल इज डिस्कॉइड. ओके, कैसा शेप होता है? इट इज़ अ डिस्कॉइड शेप. और ये कैरी करता है ब्लड को. देखो, ये ब्लड ऑक्सीजन भी कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करता है, इट कैरीज न्यूट्रिएंट, इट मेंटेन योर बॉडी टेम्परेचर. तो ये मोस्टली इट कैरीज अ हार्मफुल सब्सटेंस. सो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल. एंड व्हाई द कलर ऑफ द ब्लड आरबीसीज इज रेड, इट इज़ ड्यू टू हीमोग्लोबिन. And WBCs, which are known as leukocytes, it has no shape, just like amoeba, it has no shape, white in color, and it is a soldier of your body, so it fight against the disease. And platelets helps in clotting of the blood. This is all about. And the red sand, yellow. So they do that. Now talking about platelets, guys, what is the platelets? Fiber क्या करते हैं? Entangle करके एक network बना. Mixing Hindi and English. So one more very transport of carbon dioxide, hai na,
एक्सक्रीटरी मटेरियल जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, है ना, फूड जो मेरा डाइजेस्ट होता है वो हर जगह पहुंचता है बिकॉज ऑफ ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हॉर्मोन्स, केमिकल मैसेंजर्स, है ना, अपार्ट फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड माई बॉडी यूजेस सम केमिकल्स टू कम्युनिकेट, मेरी बॉडी क्या करती है कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस करती है ताकि दूसरे पार्ट से कम्युनिकेट कर सके, उसको हम हॉर्मोन्स कहते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फॉर्मिंग क्लॉट्स जैसे मैंने बताया था, प्लेटलेट्स, है ना, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, गाइस हमारा एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है जिसको मेंटेन करना होता है और ये हमारी हेल्प करता है, सॉरी, टॉकिंग अबाउट प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड वुंड हीलिंग ऑल्सो, इन्फेक्शन एंड वुंड हीलिंग, सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड, यू शुड नो एंड यू शुड राइट इट डाउन, ओके। Now there's another... Excuse me, where could I take the bus to the airport? है ना, pipes में मेरे tap में flow करता है, है ना? So these pipes... होता ये पढ़ा था हमने, questions देखे थे, easy questions, है ना? But yeah, somewhat important. Yes guys, and today I'm gonna start off with the blood vessels. ठीक है? Blood vessels क्या होता है and what are the different types of blood vessels, right? Okay, what did I do? Sorry. Yes guys, so today we are going to see what are the blood vessels, immunity, they help us in immunity, immunity matlab they help us fight disease causing agents, wo hame disease causing agents se bachate the, like so fir thode se humne questions dekhe the, easy questions hai na, but yeah, somewhat important. Yes guys, and today I'm going to start off with the blood vessels, theek hai, blood vessels kya hota hai and what are the different types of blood vessels, right? Okay, what did I do? Sorry. Yes guys, so today we are going to see what are the blood vessels and what are the different, what is a blood vessel first of all and what are the different types of blood vessels and what are their functions, unke functions kya hai. Theek hai guys, first of all, whenever I talk about a blood vessels means pipes. Okay, pipes. For example, you know, where does water flow in your building? Aapki building mein jo pani aata hai, wo kis mein? Blood vessels, they are of three types, arteries, veins and capillaries. Arteries always carries oxygenated blood. Except one artery which does not carry, that is pulmonary artery. Veins carry deoxygenated blood. From where? From body to heart. Arteries carries blood from heart to body. Remember one thing, that capillaries, what capillaries are? They are the interconnection between arteries and veins. ऐसा नहीं होता कि veins अलग हो गई, ये हो गई, क्या होता है कि ये arteries और veins जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे से, तो वो हाँ जहाँ पर वो thin हो जाती है, they become thin and they get attached, that is known as, that junction is known as capillaries. में flow करता है, ना एक build supply of the blood vessel, they take oxygen from the blood and use that for respiration and they put carbon dioxide is present over there, hai na guys, chalo thoda ek bar definitions dekh lete hain. These are the blood vessels which carry blood from heart to various organs of the body, means they take blood from the heart to various organs of the body. Why from the heart to the organs? Because the fresh blood comes to the heart first and from there it is pumped to all parts of my body. See, I'm breathing in oxygen, ye lungs mein aaya, lungs se ye blood mein gaya, the blood takes it to the heart so that it can transport to all parts of my, the heart will send it to my brain, the heart will send it to my muscles, the heart will send it to my legs or thighs and likewise, right guys, very good. Moving forward, veins, they collect blood from the different parts of the body and pour it back to the heart, means they will take from the vein. Now what happens to the wastewater, guys? What happens to the wastewater? It goes to the sewage treatment or carbon dioxide. Carbon dioxide, what is the vein? Okay, now let us see the let us understand major difference, because guys, this comes in the exam. Okay, this comes in the exam directly, it has come many times, very important, hai na? Now let us see the direction. Yeah, direction of the blood flow, hai na? As I told you, arteries, what do? They carry blood away from the heart to the parts of the body. They carry blood apart from whatever the differences written over here. Remember this, that there are more differences between arteries and veins. Artery is deep inside.
ओके, इट इज़ नॉट जस्ट अबव द, अगर आप अपनी मुट्ठी बंद करो, ये जो आपको नीली नीली दिखाई दे रही है, ये क्या है, वेन्स है, ठीक है। तो जो वेन्स होती हैं दे आर जस्ट बिलो द स्किन, बट आर्टरीज यू कांट सी, दे आर जस्ट अबव द बोन। तो दिस इज़ वन ऑफ द डिफरेंस। सेकेंड थिंग इज, क्योंकि आर्टरीज से ब्लड फ्लो कैसे होता है, प्रेशर से होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो वॉल्व होता है वो स्मॉल होता है, एक तो वो थिक होता है, दैट वॉल इज़ थिक, इन वेज द वॉल इज़ थिन। यहाँ पे जो आर्टरीज में ब्लड जो होता है जग से फ्लो होता है, एक बार ला डब, तेज कम तेज कम। अगर होता किसी की आर्टरी इंजरी हो गई तो ऐसा नहीं कि ब्लड लगातार निकलेगा, तुम देखना एक बार तेज ही निकलेगा, एक बार कम निकलेगा, एक बार तेज निकलेगा, एक बार कम निकलेगा। वेन्स में कहते होता है एक सा फ्लो होता है ब्लड में, ठीक है, और ये थिन होती है, आर्टरीज थिक होती है। तो दीज आर ऑल्सो द डिफरेंस विच यू शुड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसको ब्लड फ्रॉम टू डी ऑक्सीजनेटेड इज एक्सट्रीमली लो इन द कैपिलरीज। व्हाई व्हाई ब्लड प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो इन द कैपिलरीज, बिकॉज आई वॉन्ट ब्लड टू स्टे इन माई capillaries for a long time. Yes guys, I guess we are good, hai na, bahut amazing, let's move forward. You guys are able to follow, right? Up. Yeah, next, talking about the blood flow rapidly with jerks. Blood flows rapidly with jerks. Why rapidly with jerks? Because the heart is beating, jerk, one jerk, two jerk, three jerk, मतलब it's pros jerks के साथ, whereas in veins the blood flows smoothly without jerks. Why? Because it is coming out of the organ, it is coming out of the organs. Why is this not going? Let it be, है ना? Now talking about the capillaries, blood flows smoothly without jerk. Why smoothly? Because we want the blood to stay in the organ as much as possible. Capillaries में blood ज़्यादा time तक रहे ताकि maximum exchange हो सके. Talking about lumen, lumen is narrow. Now, first of all, what is lumen? Lumen, lumen means, guys, how big is the diameter? How big is the diameter of the artery, or how big is the diameter of the vein? So, arteries ka lumen is very narrow. Matlab chota sa hai. Why? So that the pressure is high. Pressure is high. Why? Because see, heart has to pump blood till my ताकि वहां तक पहुंचे तो सही. And it has, see how long my legs are. It has to reach till there. So heart beats very faster. So faster, and that is why the lumen is very narrow, so that the pressure is high and the blood is able to reach. Okay, very good. And arteries mein it is narrow, hai na? And it is wide in veins. Veins mein thoda wide rehta because aram se dheere dheere chalta hai vein. Okay, and in capillaries it is very small. Very small kyun? Taki jada surface area rahe contact ka. Jada kyun hota hai this thing? Capillaries mein the lumen is very small, so that the surface area is this thing. Okay, yes, entire blood comes in contact. Prevent backflow of the blood. Backflow of the blood kya hota hai? Backflow of the blood means, see, I want my blood to be flowing in this direction, hai na? I want the blood to flow in this direction. Backflow of the blood, let's see. See, this is my valve. Now what happens is possible only in this flap, which will open only in, because hame pata hai ki what happens, this is organ. Moving forward guys, location, they are deep seated, they are present very deep inside the body. Why? Pata chala wahan pe puncture ho gaya pipe hamara aur sara blood fountain ki taraf bahar aa gaya. So that we don't want that to happen, right? Because we keep falling, hai na? You keep falling, you keep, you know, getting yourself hurt. तो पता चला एक आर्टरी कट गई एंड वी आर लाइक यू नो फाउंटेन निकल गया एंड वी आर मीटिंग द गॉड आफ्टर दैट, है ना? दैट वी डोंट वांट टू दैट टू हैपन, सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी डीप. व्हेरएज वेन्स आर सुपरफिशियल, कि अगर मतलब इसमें पाइप हुआ भी तो फाउंटेन छोटा छोटा निकलेगा. इट विल टेक टाइम फॉर यू नो ऑल द वॉटर टू ड्रेन आउट, सो दैट इज व्हाई दे आर लिटिल सुपरफिशियल. एंड दे फॉर्म अ नेटवर्क all over the body and in the organ, where the capillaries present precisely basically inside the organs, hai na beta? So like that. Very good. Let's move forward. I hope you understood. Now guys, very important. Very important. The blood circulation around the body. जिसके लिए हमने ये chapter start करा था. है ना? Now blood circulation inside the body, मतलब what is the path taken by the blood inside? Now I want that how the blood circulate, that I'll teach you.
what happens that heart is the pumping organ. As you know that the heart is the pumping organ and it is four-chambered heart. हमारा जो heart है वो कहता है four-chambered है. ये समझ लो, this is your heart and this heart is four-chambered. This is right auricle, left auricle, right ventricle एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. मीन्स जो अपर पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिकल बोलते हैं. इसको कहते हैं बॉक्स, वी कैन मेक बॉक्स ऑल्सो. जैसे हमने चेम्बर्स बनाए, यहाँ पे हमने बनाया चेम्बर, रिमेंबर दिस थिंग. ये हो गया. ऊपर वाले जो होते हैं वो एट्रियम कहलाते हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम. ये हो गया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. अब क्या होता है, जब भी हमारा ब्लड फ्लो करता है, वेन एवर द, क्योंकि हार्ट हमारा क्या कर रहा है, पम्प ब्लड कर रहा है, तो हमारे जो एक फ्लो चार्ट है, देयर इज वन फ्लो चार्ट यू रिमेंबर. एक तो आप ये याद रखिए कि हार्ट इज फोर चेम्बर्ड हार्ट. आपका जो ब्लड फ्लो कर रहा है कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है कि द ब्लड इज़ कमिंग, आपकी जो राइट साइड में क्या आ रहा है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वॉट इज़ कमिंग, डी ऑक्सीजनेटेड. हम इम्प्योर प्योर नहीं बोलते, हम डी ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड बोलते हैं. डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू हार्ट. किसके थ्रू आ रहा है ये, बाय वेना कावा. इट इज कमिंग थ्रू, कमिंग टू वेना कावा. दीज आर द वेज. क्योंकि कौन ला रहा है इसको, वेन ला रहा है. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में कौन ला रहा है, वेना कावा. वेना कावा, तो इसका फ्लो चार्ट हम ऐसे भी बनाते हैं. देखो यहाँ पे हम क्या लिखें, वेना कावा. तो व्हाट आर वेना कावा, दे आर वेन. व्हाट वेन्स कैरी, दे कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कौन सा ब्लड कैरी कर रहा है ये, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है, इट इज़ गोइंग टू राइट एट्रियम. यू नो दैट राइट राइट साइड कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम. फ्रॉम राइट एट्रियम वेयर इट इज़ गोइंग, इट इज़ गोइंग टू राइट वेंट्रिकल. फ्रॉम राइट वेंट्रिकल दिस इज गोइंग टू पल्मोनरी आर्टरी. यहाँ पे कौन इसको कैरी कर रहा है, पल्मोनरी कुछ भी कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज. अब पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है, इट कैरीज, रिमेंबर वन, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जा रहा है, इट इज़ गोइंग टू लंग्स. कहाँ गया ब्लड, लंग्स में. अब लंग्स से ब्लड को कौन ला रहा है, पल्मोनरी वेन. यहाँ पे प्योरीफाई हो गया, ऑक्सीजन मिल गया, तो यहाँ पे कौन ला रहा है, पल्मोनरी वेन. अब पल्मोनरी वेन क्या होता है, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. रिमेंबर पल्मोनरी आर्टरी कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आप फिर से सुन लो, वेना कावा वेन्स हैं विच आर कैरिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कहाँ से ला रही है, बॉडी से ला रही है. कहाँ ला रही है, राइट एट्रियम में ला रही है. राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में जा रहा है. राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं. और वॉल्व क्या करते हैं कि ब्लड को ऊपर की तरफ नहीं, मतलब आउट पीछे की तरफ पुश नहीं करता. वॉल्व्स का फंक्शन क्या होता है, डज नॉट पुश द ब्लड टू गो बैक. वहाँ से कहाँ आया, ये राइट वेंट्रिकल में आया. राइट वेंट्रिकल से कौन इसको लेके गया, पल्मोनरी आर्टरीज. पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ लेके गई, लंग्स में. लंग्स में क्या हो गई, ये ऑक्सीजनेटेड, दे हैव बिकम ऑक्सीजनेटेड. अभी तक तो हम डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे थे, यहाँ पे इसको ऑक्सीजन मिल गया. कौन लेकर आया इसको, पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन कहाँ लाएगी इसको, लेफ्ट एट्रियम. अब लेफ्ट एट्रियम पे क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल्व होते हैं. बाइकस्पिड वॉल्व क्या करते हैं, वहाँ से ब्लड कहाँ आएगा,
लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये तो एक आपका हाउ द ब्लड इज सर्कुलेटेड। एक चीज़ आपने देखी होगी, जब भी ब्लड फ्लो हो रहा है तो दो बार क्या हुआ, वो हार्ट में आ रहा है, ठीक है। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई कि कैसे ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। एक चीज़ आपको याद रखनी, जब भी आप डायग्राम देखें हार्ट का, तो हार्ट में क्या होता है, व्हेन यू आर मेकिंग अ डायग्राम लाइक दिस, तो एक तो ये एक लेयर से कवर होता है, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट एज पेरिकार्डियम। सेकेंड थिंग यू रिमेंबर, जब भी आप डायग्राम बनाओगे आप देखोगे कि जो आपका वेंट्रिकल पोर्शन है, दिस पोर्शन इज थिक, ओके। ये कैसा होता है, लोअर पार्ट कैसा होता है, थिक होता है। तो वाई वेंट्रिकल्स आर थिक, जिससे कि जो वो प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है ये आर्टरीज और उसमें भेज रहा है, तो उससे क्या होगा कि ये उससे प्रेशर लगता है, दैट गिव्स अ वेरी गुड प्रेशर। एक चीज़ और मैं तुम्हें बताना भूल गई कि जब ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर वो ऑर्टा से, ऑर्टा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ योर बॉडी, जहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी बॉडी में। एक चीज़ और याद रखिए, जब आप डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ पे एक बीच में दोनों राइट और लेफ्ट साइड को सेपरेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टा। ये क्यों होता है, जिससे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग ना हो। तो दैट्स वाई दिस पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ द ओनली थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, कि हाउ द ब्लड सर्कुलेट इन द बॉडी, वॉट बाई वेंट्रिकल्स आर थिक एंड वॉट इज़ डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, or that flow chart I have given you. Now I'll just show you one video, that how that 3D video, that how blood is circulating in the body, and that is a very good video, definitely you people will like. It's a very good video, I have seen that and I love that video. Let me search. Pumping of veins are blood vessels containing blood flowing to the heart, while arteries have blood flowing. The normal heart has two sides, a right side and a left side, and four chambers, the top receiving chambers or atrium, and the lower chambers, which are thick-walled pumping chambers called ventricles. Red blood cell will come from either the superior vena cava or the inferior vena cava and enter into the right atrium. The blood then flows across the tricuspid valve to the right ventricle. The right ventricle then squeezes and ejects that blood cell into a vessel called the pulmonary artery. The pulmonary artery splits into two vessels, each going to the lungs. As that red blood cell makes its way through the lung, it returns through the pulmonary veins to the left atrium. That blood is now oxygenated. It's picked up oxygen, then goes across the mitral valve into the left ventricle, which does most of the work in terms of delivery of blood flow to the body. That blood cell is now ejected into the aorta to some organ or muscle or skin in the human body. As we unravel the mystery of the rhythmic beating of the heart, we come to realize that heart performs this function with flawless consistency. The heart is an organ that beats throughout the lifetime of a person. Are you aware that in an average lifespan of 70 years, it beats about 2.5 billion times? The heart beats rhythmically due to the electrical impulses which cause synchronized contraction of the heart muscles. These impulses cause the contractions of the atrium and the ventricles, which allow the heart to pump blood. But have you ever wondered what controls the heartbeat? Cardiac pacemaker.
The heartbeat is generated and controlled by a pacemaker present in the heart. It also possesses specialized excitatory conducting system, which ensures the rhythmic beating of all the cardiac muscles. The walls of the atria form the atrial syncytium, and the two ventricular walls constitute the ventricular syncytium. The pacemaker is located in the wall of the right atrium. It is also known as sinoatrial node or SA node. The SA node generates an impulse which spreads across the walls of the atria through the specialized conducting system, causing both atria to contract in unison. During atrial contraction, this electrical impulse reaches the atrioventricular node or AV node. Here, the impulse is delayed for about 0.1 second, after which it moves along the bundle of His, bifurcates into bundle branches before spreading along the Purkinje fibers. The impulse reaches the lateral ventricular walls and causes its contraction. Thus, the impulse generated at the SA node causes atrial contraction and flow of blood into ventricles, and then the ventricles contract, pumping the blood out of the heart. It is the impulse generated by the SA node that causes the heart's chamber and valves to work in tandem. Thus, we conclude that it is the SA node as the cardiac pacemaker which sets the rhythmicity of the heartbeat. Summary. We can now observe the impulse conduction and heartbeat in synchronization with the blood flow. The cardiac cycle begins with the SA node generating an impulse, which spreads to the two atrial walls and also reaches the AV node. The two atria which form the atrial syncytium contract. The AV node delays the transmission of the impulse by 0.1 second, which allows the atria to empty completely before the ventricles begin to contract. Then, the impulse moves along the bundle of His and finally through the Purkinje fibers to spread all over the ventricular walls. Finally, the ventricular syncytium contracts, thus pumping the blood out through the aorta and pulmonary artery. This is the end of one cardiac cycle. So this is what we have done in this topic. The circulatory system is over, and implant, the translocation has been told. In that one, pressure, osmotic pressure takes place, through which you can say the turbo pressure, through which the food is transported. So here your circulatory system is over. Now remember what you have to write. Very common questions which often comes. The questions are that why ventricles are thicker, why ventricles are thicker than auricles. Dusra, second, differences between arteries and veins. Differences between arteries and veins. Third question which you have to do, that is diagram of heart. Diagram of heart. Fourth question which you are going to write, that what do you understand by, what do you understand by double circulatory system.
and one more that system has been left, that is known as lymphatic system. Let me clear that also. One more fluid system that flows inside your body, that is known as lymphatic system. And this lymphatic system is of two types. It contains, it does not contain RBC. Isme kya absent hota hai? RBCs nahi hote, WBCs hote hain, fats hote hain, और फिर क्या कहते हैं प्रोटीन होता है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर. और दूसरा ये क्या होता है, इट इज़ यूनी डायरेक्शनल. कैसा होता है ये? यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करता है ये ब्लड, ठीक है, फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी. तो ये कैसा होता है? यूनी डायरेक्शनल. इट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी. और ये कहाँ कहाँ लोकेट होता है आपके पास, इससे ज़्यादा नहीं है, मैंने कहा था ये भी फाइट करता है अगेंस्ट डिजीजर एज डब्ल्यू बी सीज आते हैं. ये आपके लिम्फ जो नोड्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नेक में प्रेजेंट होते हैं, आपके थाइज में प्रेजेंट होते हैं, बिलो हार्ट दे आर प्रेजेंट. तो दीज आर द लोकेशन, क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछा गया कि ये कहाँ लोकेट होते हैं, वॉट इज़ द सिस्टम. तो आप ये लिख लीजिएगा कि वॉट इज़ लिम्फेटिक सिस्टम, फिर याद कर लीजिए लिम्फेटिक सिस्टम यूनी डायरेक्शनल होता है, इसमें कोई आर बी सीज नहीं होते, मोस्टली इट इज़ कम्पोज ऑफ डब्ल्यू बी सीज फैट्स एंड प्रोटीन. ये यूनी डायरेक्शनल होता है, केवल हार्ट टू बॉडी फ्लो करता है. और इसकी लोकेशन का ये क्वेश्चन आप लिखेंगे कि इसकी लोकेशन कहाँ है, इसकी लोकेशन है आपकी क्या कहते हैं बिलो द हार्ट है, थाइस में है, देन हैंड के जो अपर शोल्डर होते हैं उस पार्ट में है, और नेक के साइड में, ईयर के बिलो ईयर नेक द साइड ऑफ द नेक इट इज लोकेटेड. सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल्स. ओके, देन यू डू दिस क्वेश्चन, द इनटेक क्वेश्चन, वॉट एवर द गिवन ओवर द, यू हैव टू कम्प्लीट एवरीथिंग. थैंक यू.